हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऐश्वरी रसोई। आज मैं आपके साथ सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले तिल, गुड़, मूंगफली के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं, सेहत के लिए उतने ही अच्छे भी होते हैं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू। सर्दियों के लिए स्पेशली गुड़ और आटे के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है ये गेहूं का आटा, और ये थोड़ा मोटा आटा है। अगर आपका आटा बारीक है तो आप उसमें 2-3 टेबल स्पून सूजी मिला सकते हैं। 400 ग्राम गुड़, 50 ग्राम तिल, 50 ग्राम गोले का बुरादा और 50 ग्राम मैंने लिए हैं रोस्टेड मूंगफलियां, और 150 से 200 ग्राम हमें ज़रूरत होगी देसी घी की, क्योंकि हम ये लड्डू चाशनी के साथ बनाने वाले हैं। इसलिए घी आप अपनी इच्छा से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये जो आटा लिया है इसे भून लेंगे। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक भारी पैदे की कढ़ाई रख देंगे, और कढ़ाई के अंदर हमने ये जो घी लिया था, थोड़ा सा घी रोक कर बाकी का हम इसमें घी डाल देंगे। ये थोड़ा सा घी हम चाशनी में यूज करेंगे, और जैसे ही घी अच्छे से गर्म होता है उसके अंदर हम ये आटा डाल देंगे और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। आटे को आप लगातार चलाते हुए भूनें, वरना आटा नीचे से लग जाएगा। और गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखें, और जितने हमारा आटा भूनता है उतने ये तिल हैं, और तिल भी मैंने पहले ही रोस्ट किए हुए हैं। इनको हम मिक्सी में डालकर बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के लिए चलाएंगे, जिससे ये हल्के से दरदरे हो जाएंगे। इसी तरीके से हम मूंगफलियों को भी थोड़ा सा मिक्सी में चला लेंगे। हमें इनका पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ इनका हल्का दरदरा रखना है। मुझे आटे को भूनते हुए करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे मीडियम से लो फ्लेम पर भूना है, और आप देख सकते हैं कि आटे का कलर लाइट ब्राउन हो गया है, यानी ये अच्छे से भून चुका है। अब गैस का फ्लेम हम एकदम से लो कर देंगे, और उसके बाद हमने ये जो तिल लिया था थोड़ा सा तिल रोककर बाकी का तिल डाल देंगे, मूंगफली का चूरा डाल देंगे, और इसी समय हम ये गोले का बुरादा भी डाल देंगे। ये गरम आटे में तिल, मूंगफली और गोले का बुरादा डाल देने से इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अभी से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अभी हमारी कढ़ाई गर्म है, हम सेम कढ़ाई में ही ये 1 गिलास पानी डाल देंगे, और इसी में ही हम ये गुड़ डाल देंगे। हमें इसकी चाशनी बनानी है, लेकिन चाशनी में हमें कोई तार नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी हम इसकी बनाएंगे। आप चाहें तो गुड़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं, पर गुड़ को पानी में घुलने में ज्यादा देर नहीं लगती, बस आप हल्के से प्रेस करते जाइए और गुड़ एकदम से घुल जाएगा। गुड़ पानी में अच्छे से घुल गया है, बस इसी समय हमने ये जो घी रोका था ये भी डाल देंगे, और जैसे इसमें 2-3 उबाल अच्छे से आते हैं हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। बस हमें चाशनी ऐसी चाहिए कि वो हल्की हल्की हाथ पे चिपके, उसमें कोई तार नहीं बनना चाहिए। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अगर हम बहुत ज्यादा गर्म में अपना भुना हुआ आटा डाल देंगे तो आटा कच्चे जैसा टेस्ट करने लगता है। और बस 1 से 2 मिनट बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे इतना ठंडा भी ना करने कि ये आटे को सोख ही ना कर पाए। और इसके बाद हमने ये जो भुना हुआ आटा, तिल और मूंगफली थी, इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। और ये सारा आटा मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इससे लड्डू बना सकते हैं, और आप चाहें तो बर्फी बना सकते हैं। आपका जो मन करे आप इससे वो बना सकते हैं। और इसमें ये अच्छे से मिल चुका है। एक प्लेट को मैंने देसी घी के साथ ग्रीस करके रख लिया है। अब हम इसमें ये मिक्सचर इसमें ट्रांसफर कर देंगे, तो नीचे थोड़ा सा गोले का बुरादा डाल सकते हैं,
थोड़ा सा मूंगफली जो हमने दरदरी करके रखी थी, इसी तरीके से थोड़े से तिल। बर्फी की मोटाई आप अपने मन से रख सकते हैं, थोड़ी सी मोटी बना लीजिए या थोड़ी सी पतली, जैसी भी आपको पसंद हो। ये अभी काफी गर्म है और बस हल्के हाथ से इस तरीके से दबाते हुए हम इसे सेट कर देंगे। और ये मैंने बर्फियों को चारों तरफ अच्छे से सेट कर दिया है। बस थोड़ा सा गोले का बुरादा ऊपर डाल देंगे, थोड़े से तिल और मूंगफली और अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे ये गोला मूंगफली और तिल इस पे चिपक जाएंगे। और अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे, जिससे हमारी बर्फियां बनकर सेट हो जाएंगी। और ये जो थोड़ा सा मिक्सचर हमारा बच गया है, इसके हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू का साइज भी आप अपने मन से कर सकते हैं, थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े। मैं मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ। एक ही मिक्सचर से हमने ये लड्डू और बर्फी दोनों बना ली हैं। अभी बर्फी काफी गर्म है, जब थोड़ी ठंडी हो जाएंगी हम इसकी बर्फियां काट लेंगे। सर्दियों के लिए ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि गुड़, तिल, मूंगफली सभी सर्दियों के लिए अच्छे रहते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हमारे लड्डू और बर्फी दोनों बनकर तैयार हैं। आप चाहें तो लड्डू बनाएं, चाहें बर्फी, ये आपकी मर्जी है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू।